सबसे पहले तो एक चीज समझो, अब ना आप ऐसी स्टेज पर आके मतलब आ चुके हो, लाइक अब विद इन फ्यू डेज आपका एग्जाम है, राइट? तो अब ऐसी सिचुएशन में ना आपको क्या करना चाहिए कि आपके पास जो ऑलरेडी डेटा है ना, चाहे वो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो इंटायर नोट्स हो, फॉर्मूला शीट हो, जिस भी फॉर्म में आपने अभी तक डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, मेन फोकस 12th का सिलेबस है जो हमारा काफी टाइम पहले कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या करना, अपना उन फॉर्मूलास को रिवाइज करो और PYQs लगाओ, ठीक है? आई प्रोवाइड यू फ्यू PDFs, उनको सॉल्व कर लेना, अदरवाइज कहीं से भी वो मतलब यू नो, समझ रहे हो, अपने हिसाब के वो जो पेपर है उसके PYQs लगाओ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो और फॉर्मूला को मतलब यू नो दिमाग में पकड़ के रखोगे, ठीक है, ये फॉर्मूलाज है, हमको इन पे काम करना है। मेजर पोर्शन तो 12th का ही है, राइट? 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसका अभी हम कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक इसको रैप अप कर देंगे, तो समझ रहे हो वाली चीज, इट विल बी गुड फॉर यू। हाँ, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उतना एग्जाम में बहुत ही मतलब नोन सा फील करोगे, एक्विंटेंस रहेगी टेम्परामेंट के साथ, ठीक है? अब फटाफट से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ये वाला लिंक एक्सप्लोर करा, bit.ly/खुशी मैम। अगर नहीं करा है तो, और मन है क्वेश्चंस करने का, तो कर लेना, अदरवाइज ऐसा कोई मतलब कुछ इम्पोज नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को 11th 12th का अगर कोई पोर्शन ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आता, ये थोड़ा और डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मास का मोशन। आपको ये वाला एक्सप्रेशन कल ही इंट्रोड्यूस हो गया था, राइट? हाँ, तस्लिमा, ये नर्सिंग का है, ठीक है? RCOM पता चल गया था ना, कल हमने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को डिफाइन कर दिया था। अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो, पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को, तो यू गॉट द वेलोसिटी। देखो वही हुआ है, m1v1 प्लस m2v2, और इसको हमने जिस फॉर्म में हमने पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा था, उसी फॉर्म में आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो, इज दैट ओके? ठीक है, और सेम फॉर्मेट में यू गॉट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो, इट्स दैट फाइन, सही है ये चीज, ओके? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं नीपर बेस्ड। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एन इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड टू द हेवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर ब्लॉक, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, कितनी होगी? फटाफट से सॉल्व करो, अभी टाइम है 14:54, आप इसको 14:57 तक सॉल्व कर दो। वेरी गुड सुमन, ओके, एक बार चलो नायरा देखते हैं कैसे करना है इसको। हमें क्या बोला कि जो हेवियर ब्लॉक है उसको हमने इम्पल्स दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक, लाइटर ब्लॉक के साथ तो हमने कोई भी उसको मोशन वगैरह नहीं दिया, तो यानी कि
वी गॉट m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट? दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपके लिए m1 हो गया 10, उसको वेलोसिटी कितना मिला है 14 का, राइट? यहाँ पे 14 लिख दीजिए, m2 इज 4 और उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं मिला है। 10 प्लस 4, इट वुड गिव यू 10 इंटू 14 अपॉन 14, राइट? तो 14 से 14 कट एंड यू विल गेट द 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो? नो मैम। ओके, अब बात करते हैं फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। देखो, कोई एक बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास होगा, हमको पता है अभी चीज। वहां पे हमने बहुत सारी फोर्सेस लगाई, तो सिंपल सी बात है, आप चलो न्यूटन के लॉ के हिसाब से। वो बोलता है नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वहां से आप एक एक्सप्रेशन निकालते हो कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। बस अब ध्यान रखना कि वो जो एक्सेलरेशन है ना, वो सेंटर ऑफ मास का है, राइट? दैट एक्सेलरेशन इज ऑफ सेंटर ऑफ मास। और बेटा, जिस दिन ये वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मंडे को, उस दिन मैं वाली कंबाइंड पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दूंगी आपकी शीट पे, ठीक है? शीट का लिंक आएगा, सभी के पास है, आपके जो नर्सिंग बैच का ग्रुप है उसमें वो मेंशन है, ठीक? देखो, आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया इन द फॉर्म ऑफ नेट फोर्स अपॉन मास। कोई दिक्कत? हाँ, नो मैम। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या बोला कि अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, बेटा रेस्ट पर कब होगा? जब उस पे नेट फोर्स जीरो होगी, है ना? चाहे आपने फोर्स उस पे लगा भी रखी है, तब भी वो बैलेंस्ड फोर्सेस है। फॉर एन एग्जांपल, ये कोई बॉडी है, उस पर आपने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और एक फोर्स इधर 10 न्यूटन का लग रहा है, ये बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना, राइट? होकर भी, ऐसे नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, अगर होगी तो भी वो जीरो है, तभी वो रेस्ट पर है, ठीक है? तभी ये सिचुएशन और ये सिचुएशन होल्ड करेगी। अब बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियली आपको सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा? जीरो। और फाइनल भी जीरो मिलेगा, क्योंकि COM डज नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करा। अगर वो इनिशियली रेस्ट में है, फाइनली भी रेस्ट में रहेगा। समझ में आई वाली चीज थोड़ी बहुत? इस पर लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, देखो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इतनी बात अपने को समझ आती है? अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है। किसकी? सेंटर ऑफ मास की। तो अगर इनिशियली वो रेस्ट पे था, जीरो वेलोसिटी थी, तो बेटा वही तो रहेगी एंड तक भी, राइट? मैम, जब तक उसका कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी तब तक जीरो रहेगी, तो इसलिए इनिशियल बेटा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि रेस्ट में, अगर वो किसी मोशन में है, सपोज 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, आपने एक्सटर्नल फोर्स जीरो रख रखी है, तो वो एंड तक भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होनी है। यहाँ हमने रेस्ट की बात करी है, इसलिए हमने जीरो लिख दिया। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करा, याद है आपको ये वाली एक्सप्रेशन हमने कल देखी थी, याद है ना? यस मैम। ठीक है, हमने क्या करा कि m1 प्लस m2 को इधर लेके गए और हमने क्या निकाला, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का चेंज निकाला, ठीक है? अब देखो, सेंटर ऑफ मास जब मूव ही नहीं हुआ तो ये तो जीरो होगा ना, राइट? भाई देखो, आप ध्यान से समझो, सेंटर ऑफ मास क्या है और किसी सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स क्या है। तो पार्टिकल्स कुड बी, यू नो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुड बी देयर, वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के बारे में तो बात हुई नहीं, बात तो एक्सटर्नल फोर्स की जीरो की थी। इंटरनल फोर्सेस तो सिस्टम में है ना, इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन है उनके अंदर, तो वो मूव कर सकते हैं, इसलिए dx1 dx2 इज गोइंग टू बी देयर। बट सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मैम एक बार और बताना। हाँ देखो, अभी आपने क्या पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, ये देखा था ना हमने, इनिशियली भी रेस्ट में है
इसलिए हमने वी इनिशियल जीरो लिख दिया था, किसका? सेंटर ऑफ मास का। सिमिलरली बेटा अगर वो रेस्ट में रहा, उसमें कोई फोर्स नहीं, तो उसका फाइनल भी क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करा। अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करा तो ये चीज तो जीरो होगी ना। यस मैम, है ना। तो आप इसको याद रखोगे, लर्न इट, तब के लिए जब आपको बोला जाए सेंटर ऑफ मास इज इनिशियली इन रेस्ट, इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। मैम सेंटर ऑफ मास जब भी जीरो होगा ना, जब रेस्ट पे होगा मैम, ऐसी और भी कंडीशन है जब मैम जीरो होगा, जरूरी है कि रेस्ट पे होगा जब ही जीरो होगा बेटा? यस, इसमें देखो आपने, आपको क्या बोला गया था, इनिशियली वेलोसिटी इज जीरो, राइट? ओके मैम, हमने रेस्ट बोला ना। अच्छा आपको विंडो दिख रही है क्या स्क्रीन? यस मैम। ओके चलिए एक क्वेश्चन कीजिएगा ये वाला। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको एक सिस्टम दिया है दो पार्टिकल्स का, हैविंग मासेस m1 एंड m2। अगर m1 को आपने पुश किया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, d डिस्टेंस से, तो बताओ कि बाय व्हाट डिस्टेंस विद द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास इज एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अभी इन दोनों का कहीं कोई मास होगा ना, सेंटर ऑफ मास कहीं लाई कर रहा होगा। आपने m1 को पुश किया d डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में। अब मैं चाहती हूं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो, तो बताओ m2 को कितना मूव करना पड़ेगा? अब देखो यहां पे वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ट्राई करो। मैम वो जो ऊपर फॉर्मूला था उसमें dx वेक्टर और dx1 वेक्टर dx2 वेक्टर क्या था? एक सेकेंड, ये है बेटा किसी पार्टिकल वन जिसका मास m1 है उसकी पोजीशन में चेंज, ये है कोई पार्टिकल m2 जिसका मास m2 है उसकी पोजीशन में चेंज, ठीक है? ओके मैम। मैम m2 जीरो नहीं होगा जब ये इनिशियली रेस्ट में है, जिसका सेंटर ऑफ मास जीरो। नहीं नहीं बेटा, इनका सेंटर ऑफ मास को कहीं लाई कर रहा होगा ना, वो मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी जीरो करी गई, ये सेंटर ऑफ मास को थोड़ी जीरो कर देंगे। मैम बी आंसर आ रहा है। ओके योगिता, वेरी गुड, ठीक है एक बारी चेक करते हैं। देखो ये पे चेक कर लेते हैं, हमसे क्या बोला था कि हमने m1 वाले मास को डी डिस्टेंस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास हमने शिफ्ट किया था। एक बार बताओ अगर यहाँ पे m1 मास है और ये m2 मास है, ओरिजिनली ये पोजीशन है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। आपने इस ब्लॉक को डी डिस्टेंस इधर मूव करा दिया, तो बताओ हम इस वाले डिस्टेंस मतलब इस वाले मास को कितना मूव कराएं कि यही सेंटर ऑफ मास रहे। तो लेट्स से एक्स मूव कराया, तो m1d और प्लस m2x इज इक्वल्स टू 0, राइट? अब लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, डायरेक्शन का मतलब इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आप अगर इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव का। Is that okay? मेरा मानना है कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझ में आता है ना, कि दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, है ना, दिस इज प्लस वाई,
एंड हियर वी हैव माइनस वाई. तो आप क्या करो कि इधर पॉजिटिव ले लो, इधर जाने वाले डिस्टेंसेस को नेगेटिव ले लो, ऊपर जाने वाले डिस्टेंसेस को पॉजिटिव और नीचे वालों को नेगेटिव ले लो. पार्टीशन कोऑर्डिनेट के हिसाब से याद भी रहता है. इसको आप सॉल्व कर दो किसके लिए, एम टू एक्स के लिए. तो आपको मिल जाएगा एम वन बी इज इक्वल्स टू एम टू एक्स, और यहाँ से बेटा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एम वन बाई एम टू इंटू टी. किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें बस एक ही की पॉइंट था कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करा है. आपको ये वाली चीज को पकड़ना पड़ेगा और इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बस मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा ये वाली ट्रिक कि अगर ओरिजिनल मास ओरिजिनल पोजीशन वही है यानी कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करा है तब आप क्या यूज कर सकते हो. इज दैट ओके? अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की. ऐसा सोचो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, यानी कि क्या जीरो, अभी मैंने आपको न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन बताया था ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो ऑफ द इंटायर सिस्टम, राइट? तो यही तो कंजर्वेशन हो गया, है कि नहीं? फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, कंजर्व द लीनियर मोमेंटम. अब देखो आपके पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. अ मैन ऑफ मास 20 केजी इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास 10 केजी, ठीक है, kept on a smooth horizontal surface. The man starts moving with a velocity of 3 meter per second with respect to the platform. Find the recoil velocity of platform. समझ में आया? एक मैन 20 केजी का खड़ा है 10 केजी के प्लेटफॉर्म पे जो कि स्मूथ है. स्मूथ से क्या मतलब निकल कर आता है? क्या नहीं है इनके बीच फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है. अब आपको बताना है कि मैन ने ना 3 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू किया है तो बताओ रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी प्लेटफॉर्म की, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ तो थर्ड लॉ तो एक्ट करेगा ही ना. सॉल्व करो इसको, बताओ. मैम यहाँ पे डायरेक्ट थ्योरी का कंसेप्ट लगेगा और आंसर का डी आएगा. देखो यहाँ पर लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, इन्होंने कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी है भाई. मैन आगे चला, एक फोर्स पीछे है, जो कुछ भी है ये मैन और प्लेटफॉर्म इन दोनों के बीच है, सिस्टम के अंदर है. समझ रहे हो? यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिस्टम फर्स्ट. यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के देखो. देखो एक बार ही मैं करके बताती हूँ, तो पता नहीं आज क्या हो रहा है, बार बार यही अटक जा रहा है. एक सेकंड रुको बस, ठीक है. एक मिनट बेटा, देखो देखो बेटा वो क्या रहा है कि वहां पर आपसे क्या पूछा गया कि ये कोई प्लेटफॉर्म है अपने पास, ठीक है, जिस पर एक इंसान खड़ा है. अब लेट्स से वो इधर 3 मीटर पर सेकंड से गया, ये तो बोला आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है. तो ये जो
3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इधर प्लेटफॉर्म रिकॉइल होगा, होगा कि नहीं? जब ये मैन आगे जाएगा तो उसका इम्पैक्ट पीछे पड़ेगा कि नहीं? यस तब पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ मैन ऑफ मास 20 केजी स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास 10 केजी, दिस इज 20 केजी, इट इज 10 केजी, हाँ देखो एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, कि 3 मीटर पर सेकेंड प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, और ये आपसे वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, मतलब कि ये वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है, क्योंकि कभी भी आपकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में नहीं पूछी जा सकती, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। समझ रहे हो वाली बात? एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ट्रेन है और ट्रेन लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, यहाँ पर आपका दोस्त बैठा है, तो आपको क्या दिखेगा कि ट्रेन 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, उसमें बैठा आपका दोस्त भी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ये सुनो। Yes, ma'am. और वो सारी ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू यू या विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, पर जो बंदा अंदर बैठा है ना, वो जो आपका दोस्त अंदर बैठा है, उसको लगेगा वो रेस्ट में है, ट्रेन रेस्ट में है, आप 5 मीटर पर सेकेंड पीछे जा रहे हो, वो खुद को मोशन भी नहीं मानेगा, होता है कि नहीं होता है ये? Yes, ma'am. बस तो उसी हिसाब से अब हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे, कोई बंदा लेट्स से ग्राउंड पे खड़ा है उसके हिसाब से देखेंगे, तो ये 3 से आगे जा रहा है, यू से ब्लॉक पीछे आ रहा है, अब यू से ब्लॉक पीछे आ रहा है मतलब कि ये जो बंदा है ये विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर 3 माइनस यू से आगे जा रहा है, समझ में आया? Yes, ma'am. पीछे जा रहा है। तो अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज 3 माइनस यू, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट्स यू, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनको वेलोसिटीज निकाल के दे दो, यू निकाल के दे दो, बेसिकली दैट इज व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। अब हमने क्या सीखा था कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, तो यानी कि 20 × 3 - u ये मोमेंटम प्लस 10 × -u, माइनस यू क्यों लिया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में है, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी जीरो ना, इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट में था, है कि नहीं? यस मैम। इसको आप सॉल्व करेंगे 6 मोमेंटम की, मैम वो तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है ना? क्या बेटा? मैम जो डायरेक्शन होती है मोमेंटम की, जैसे कोई भी बॉडी की, तो मैम वो तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है, क्योंकि मैम p इक्वल टू mv होता है, और मैम जो v होता है वो p के इक्वल होता है ना, मतलब डायरेक्शन तो एक ही सेम ही डायरेक्शन में होते हैं ना मोमेंटम और वेलोसिटी। हाँ तो फिर क्या हुआ, वो सही तो लिखा है। तो मैम अपोजिट में क्यों जा रही है, मतलब आपने यहाँ देखो एक बात मुझे बताओ, आप कभी बोट में चढ़े हो? आप जैसे उसमें चढ़ते हो पीछे होती है ना बोट, न्यूटन का थर्ड लॉ, तो जब ये आगे जाएगा इस पे इसका जो इफेक्ट है, जो रिकॉइल होगा, पीछे होगा, है ना? हाँ मैम समझ रही हूँ। ओके मैम, तो साथ में से इनिशियल कंडीशन क्यों ले रहे हैं? क्या बेटा? मैम हम आपने इक्वल्स टू जीरो लिया, हम पे आपने इनिशियल कंडीशन लिया है ना, यू लिया है रिकॉइल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी ली है, रिकॉइल, दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी, जिससे प्लेटफॉर्म पीछे हुआ है, पहले प्लेटफॉर्म रेस्ट में था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी, जब ये चलने लगा तब हुआ ये सब, तो इनिशियली हमने जीरो आएगा ना आंसर? क्या बेटा? आंसर माइनस में आएगा ना? माइनस में कैसे आएगा? अच्छा यू का वेलोसिटी, हाँ मतलब डायरेक्शन वाइज माइनस में आएगा ये तो, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन वाइज रहेंगे ना, यहाँ पे ऑप्शन वाइज देखो 2 मीटर पर सेकेंड, अगर माइनस में देखा तो माइनस टिक कर दो, नो इश्यूज, राइट, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ प्लेट, तो खुद ही वो आपको बता के दे रहा है कि माइनस में जाएगा, इज दैट ओके? यस ठीक है मैम। हाँ जी बेटा,
यहाँ पे जो मैन है वो 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो मैम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू 0 तो रेस्ट की कंडीशन होती है ना। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैन स्टार्ट्स मूविंग। आप क्वेश्चन को पढ़ो, आपको क्वेश्चन बहुत चीज इन्फॉर्मेशन दे रहा है। स्टार्ट्स मूविंग तो इनिशियली तो रेस्ट में था ना, चलना शुरू किया 3 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस लैंग्वेज में है, समझ में आई वाली चीज योगिता? यस मैम। ओके अभी ठीक है, चलिए रिजिड बॉडी की बात करते हैं। बेटा रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स इंटरनल है, उनके बीच में कभी डिस्टेंस चेंज नहीं होता, चाहे कितनी फोर्स लगा दो, किसी भी मोशन में उसको पार्टिसिपेट करा दो, कभी भी उन दो इंटरनल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इट इज दैट बॉडी हुज इंटरनल पॉइंट्स हैव कांस्टेंट डिस्टेंस इन बिटवीन दैम, राइट? समझने वाली चीज। अब आप चाहे कितनी फोर्स लगा लो, कुछ भी कर लो, ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस डी, इट इज गोइंग टू बी डी। ये एक डेफिनेशन है रिजिड बॉडी की। आपको पता है आइडियल रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसी कोई बॉडी ही नहीं हो सकती ना जो कंप्रेस ही ना हो, फर्क तो पड़ता ही है। हाँ आप बोलो मैम। जो ए और बी है इसमें फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होगी, तो मैम जब तो मैम ये एकदम फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, ऐसे तो कुछ है ही नहीं कि मतलब कोई रिजिड बॉडी हो, कुछ तो फोर्स रहती है ना मैम उन दोनों के बीच में। हाँ जी बेटा, वो फोर्सेस भी रहती है, और ऊपर से आप भी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, इवन पत्थर भी होता है उसमें बहुत स्ट्रांग होता है, पर उसमें बहुत जोर से हथौड़ा मारे तो टूट जाता है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तो टूटेगा ही। तो रिजिड बॉडी इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट, बट ठीक है उसका डेफिनेशन ये है। इज दैट ओके? ओके मैम। ओके अब कुछ टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन होता है जहां पे हर एक पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री समझ में आता है ना, वो पाथ जो उसने किसी मोशन के दौरान ट्रेस किया है, तो हर एक पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट लाइन में है, तो दैट इज ट्रांसलेशनल। अगर मैं यहाँ पे एक और कोई पॉइंट बना दूं तो वो ऐसे ही जाएगा, समझ रही हो? विद द टाइम यही बॉडी है जो टी इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ, टी इज इक्वल्स टू टी पे यहाँ, और किसी टाइम कैपिटल टी पर यहाँ है, समझ रहे हो? तो ये होता है ट्रांसलेशनल मोशन। जब यही ट्रेजेक्ट्रीज पैरेलल तो हो लेकिन स्ट्रेट ना हो तो उन्हें बोलते हैं कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। जब आपकी ट्रेजेक्ट्रीज एक ही एक्सिस पे लाई करती हो लेकिन वो इस तरीके का मोशन दिखा रही है, आपको दिख रहा है रोटेशनल मोशन है, सभी का ट्रेवल्ड डिस्टेंस अलग अलग है जबकि घूम एक ही स्पीड से रहे। देखो All particles move in a circular path about a fixed point, a fixed axis. Internal points are not parallel to itself, right? तो मैम सर्कुलर और मैम जो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फिर क्या डिफरेंस रह गया? बेटा सर्कुलर मोशन है यहाँ के हर एक पार्टिकल का, पर ये बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ सर्कुलेशन मोशंस, okay? Right? This is going to be a circular motion, this is going to be a circular motion. पर अगर मैं बोलूंगी कि बॉडी क्या कर रही है, तो बॉडी कर रही है रोटेशनल मोशन। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रोटेशनल मोशन के अंदर बेटा सभी पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ध्यान से सुनना। रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है लेकिन उनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है। एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है पर v इज इक्वल्स टू r ओमेगा डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर r आ रहा है, सभी का रेडियस अलग है एक्सिस से। ये छोटा सर्कल लगा रहा है, ये बड़ा सर्कल लगा रहा है, ये और बड़ा सर्कल लगा रहा है। इज दैट ओके? यस नो? यस मैम। यस मैम। तो ये ध्यान से देखो, थीटा सभी ने सेम कवर किया है लेकिन आपको पता है यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो इट इज आर थीटा, यहाँ निकालोगे तो आर वन थीटा, यहाँ निकालोगे तो आर टू थीटा, और आर छोटा है आर वन से, आर वन छोटा है आर टू से। आई गेस फील हो गया होगा इस बात का। मैम जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड में क्या डिफरेंस होगा? मैम दोनों में तो एंगल एंगल रहेगा, स्पीड
और वेलोसिटी मतलब एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस रह गया? देखो स्पीड और वेलोसिटी का बड़ा बेसिक से डिफरेंस है कि स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. ओके, समझ लीजिए. यस ओके. अब बात करते हैं प्लेनर मोशन की. प्लेनर मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. यहाँ पर बॉडी जैसे बिल्कुल सिंपल समझो पहिया, कार का व्हील, घूमता भी है और आगे भी चलता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है, रोटेशनल मोशन भी है, ठीक है? तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन क्या है? प्लेनर मोशन. एग्जाम्पल, रोलिंग ऑफ अ व्हील. इज दैट ओके? यस मैम. अभी कुछ एनालॉजीज हैं लीनियर डायमेंशन और सर्कुलर डायमेंशन में. देखो डिस्प्लेसमेंट को लीनियरली एस बोला जाता है, सर्कुलर में थीटा आ जाता है, वेलोसिटी को वी, इधर ओमेगा, एक्सेलरेशन अल्फा, फोर्स टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट होता है, मास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? आप लीनियर में जो जो फॉर्मूलास इन क्वांटिटीज के लिए यूज करते थे उन्हीं की एनालॉजीज पे आप ये वाले भी याद कर सकते हो. तो यूजली क्या होता है, सर्कुलर के याद नहीं रहते लेकिन लीनियर याद रहता है. तो आप समझ लो कि एस की जगह थीटा रख सकते हो, वी की जगह ओमेगा रख सकते हो फॉर्मूलास में. जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर कोई आपको बोल दे, इन दैट सिचुएशन बच्चे आप क्या लिखते हो? वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, S is equals to ut plus half at square, लिखते हो ना ये सारी चीजें? Yes, ma'am. तो आप इनको सर्कुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो. आप इनको सर्कुलर फॉर्म में ऐसे लिखोगे कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. लेकिन बशर्ते ध्यान रखना कि अल्फा यहां पर भी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कॉन्स्टेंट हो. समझ रहे हो? Yes, ma'am. वही सारी चीजें आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है? देखो अच्छा ये एग्जांपल यही दे रखा था लीनियर एंगुलर का, ठीक है? तो ये फायदा है इस एनालॉजी का. आगे चलते हैं बेटा. ये रिलेशन है लीनियर और सर्कुलर वाले एस्पेक्ट्स का. एस is equals to r theta, v is equals to r omega, a is equals to r alpha. ठीक है, ऐसे linear और theta क्या है? Angular. v है linear, omega क्या है? Angular. a है linear और alpha क्या है? Angular. Is that okay? हाँ, ठीक है. Rotational motion में देखो वही वाली चीजें. आप एक बार वाली slide खुद से पढ़कर देखो, आपको समझ में आएगा. मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट की डिफरेंट होगी रोटेटिंग बॉडी के लिए, ओमेगा सेम होगा, ठीक है? और जो पॉइंट फिक्स्ड है जिससे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हुई, सोचो आपने एक बॉडी हैंग कर दी, तो जहां आपने नेल पॉइंट की है ना वो वाला प्लेस, उसका ओमेगा जीरो रहेगा क्योंकि वो नहीं घूमने वाला, उसके अबाउट पूरा बॉडी घूमेगा. इज दैट ओके? फील आ रही है इस चीज की? इमेजिनेशन हो पा रही है? एक बार और बता दो. मैंने ये बोला कि आपने सपोज किसी बॉडी को हैंग किया, ठीक है? उसको आपने ऐसी कील ठोकी उसमें, तो जिस पॉइंट पे आपने कील उसको हैमर की है उस पॉइंट पर वो बॉडी फिक्स हो जाएगी. अगर जैसे ये कोई बॉडी है इसको मैं यहां से फिक्स कर दूं तो ये ऐसे घूमेगी ना, ये वाला पॉइंट नहीं घूमेगा, ये पूरी बॉडी घूमेगी. इज दैट ओके? और इसकी बॉडी के हर एक पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट एंगल होगा. जैसे यहां तक एक बॉडी ऐसे स्ट्रेट है यहाँ पे, हाँ सोचो किसी पॉइंट पे ये घूम के ऐसे आ गए. आप ध्यान से देखो हर एक पार्टिकल ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसी जगह पे रहेगा, ये नहीं मूव करेगा. इज दैट ओके? ठीक है. अब अगर एक्सेलरेशन आ जाए, एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो, है ना? वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या है? या तो डायरेक्शन चेंज करो या मैग्नीट्यूड चेंज करो. अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हो तब बेटा आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डील करते हो, ठीक है? और अगर आप मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहे हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आता है. टेंजेंशियल मतलब
जो अलोंग द टेंजेंट जाए, समझ में आता है, सर्कुलर मोशन की बात हो रही है. आया समझ? देखो एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट? हाँ या ना बोलो. yes. तो ओके अभी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, आप इसको किस तरह से चेंज कर सकते हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो या दोनों चेंज कर दो. तो आपने सर्कुलर मोशन अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के लिए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना. डायरेक्शन कहाँ से आती है, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो. आपको पता है सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की टेंजेंट का डायरेक्शन डिफरेंट है. मैग्नीट्यूड चाहे 10 मीटर पर सेकेंड ही है पर डायरेक्शन हर जगह पर चेंज होने की वजह से वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है. और कौन सा एक्सेलरेशन मिलता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि सर्कुलर मोशन में ही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही, लेकिन अब कभी 10 है, कभी 8, कभी 9, कभी 11, कभी 12, कभी 6, तो लगातार वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. इन दैट सिचुएशन आपके पास एक और एक्सेलरेशन आएगा जिसे बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इज दैट फाइन? अच्छा, यहाँ पे एक प्यारा सा बस एक चीज बोली थी कि अगर अल्फा -5 है, -5 रेडियन पर सेकंड इस पर, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप बता सकते हो कि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि बराबर है? नहीं बता सकते. हमें पता होना चाहिए कि भाई ओमेगा का वैल्यू क्या है. अगर ओमेगा का वैल्यू +4 है, +4 रेडियन पर सेकेंड है, यानी कि इस केस में ओमेगा डिक्रीज होगा. ठीक है, और अगर ओमेगा का वैल्यू -3 रेडियन पर सेकेंड है तब इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि अल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में है, कि साइन नेगेटिव बता रहा है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन हो गई है. तो वही बोला है कि अल्फा स्पीड अप भी कर सकता है, स्पीड डाउन भी कर सकता है, बस डिपेंड ये करता है कि क्या अल्फा ओमेगा को सपोर्ट कर रहा है या उसको अपोज कर रहा है. तो अपोजिशन आपको कैसे दिखेगा, कि इनमें से कोई एक क्वांटिटी प्लस होगी, दूसरी माइनस होगी. अगर दोनों ही सेम साइन की है तो वो सपोर्ट करते हैं. इज दैट ओके? ओमेगा है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना, बिकॉज़ वो मैग्नीट्यूड में है. नहीं बेटा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. आई जस्ट टोल्ड यू वेलोसिटी हैज डायरेक्शन आल्सो. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हो ना आप, आपने इधर पॉजिटिव ले रखा, लेकिन मैं तो लो ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा रही हूँ, नहीं तो ओमेगा इसका नेगेटिव है, राइट? यस. टॉर्क की बात करते हैं. टॉर्क फोर्स का रेप्लिका है रोटेशनल मोशन में. इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इन नाम से भी आप जान सकते हो या इन नाम से भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है. कंफ्यूज नहीं होना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब रोटेशनल इफेक्ट क्या है, तो दैट इज टॉर्क. टॉर्क अमाउंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, आप कहाँ लगा रहे हो इस बात पे डिपेंड करता है, किस एंगल पे लगा रहे हो उस बात पे डिपेंड करता है. अमाउंट क्या है, कहाँ लगाया है और कैसे लगाया है, क्या थीटा बनाया है. ठीक है, क्यों? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ. एफ अमाउंट ऑफ फोर्स, आर कितनी दूरी पे लगाया है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस है ना, साइन थीटा आएगा, दैट थीटा इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक बारी वाली स्लाइड पढ़ो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ. नो मैम, कोई डाउट नहीं. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये. यहाँ होता है कि कितना मास है और कहाँ है. आप सोचो 10 केजी का मास आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पास रख दो और एक में बहुत दूर रख दो, क्या लगता है कहाँ घुमाना इजी होगा, बताओ. एक बार दोबारा रिपीट करना. सोचो हमारे पास 10 ग्राम का एक ब्लॉक है, उसको मैंने एक डंडे पे बिल्कुल ही जहां से पकड़ा हुआ है वहीं पे रख रखा है, और एक मैंने दूर रख रखा है, कहां घुमाना इजी होगा? तो दूर है ना, वहां घुमाना इजी होगा. गलत, पास में वहां घुमाना इजी होगा. घर में कोई डंडा वंडा पड़ा हो ना, तो ऐसा करके देख लो, कोई छोटी बाल्टी हो ना जिसका हैंडल हो,
उसको एक बारी दूर एक बारी पास रख के देखो, दूर वाला हिलेगा भी नहीं, पास वाला बहुत आसानी से हिल जाएगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर आपने आर बहुत बड़ा कर दिया, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप घुमा तो वहीं से रहो ना जहां से आपने पकड़ा है, ऐसे, समझ रहे हो। आर बड़ा कर दिया तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, दिक्कत होगी। इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट दिक्कत, वो तकलीफ है किसी चीज को घुमाने की जो आप एक्सपीरियंस करते हो रोटेशनल मोशन के दौरान। जितना मास पास होगा ना उतना बढ़िया है, समझ रहे हो। ये एक ऐसी चीज है जो आज घर पे मतलब कर लेना, इसको फील आ जाएगी इस टॉपिक की। ठीक, चलो ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं। और कितनी स्लाइड्स हो गई हमारी, 45 हो गई, भाई साहब जल्दी हो जाएगा ये। चलो रुक जाओ, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, कर दूं ना, समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये दिखा रखा है कि दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये M1, M2, M3, M4 इनकी पोजीशन से मासेस की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, R1, R2, R3, R4 कहीं भी। जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिर्फ इस तरफ ही हो, इस तरफ भी मासेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करना है, सबको ऐड करना है, सबको कंबाइंडली ऐड करके आपको इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो फिर से वही लीनियर रोटेशनल आ गया, आपको एनालॉजी ऑलरेडी आती है। F इज इक्वल्स टू ma लिखते हो ना, तो यहाँ F की जगह टॉर्क, m की जगह i और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा लिख दोगे, सेम बात। टॉर्क इज इक्वल्स टू i अल्फा आ गया, याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। डन, yes, अच्छा चलो, अब अगर तुम्हें समझ में आया है ना इनर्शिया, तो ये वाला आंसर दो। ये W का मतलब है वुड और I का मतलब है आयरन। एक बार ये सेटअप है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे गई है, ठीक है, फिर ये सेटअप है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे गई है, बताओ I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा। बताओ I2 ज्यादा होगा, राइट, यस मैम, मास ज्यादा होगा ना आयरन का। गलत है बच्चे, यहाँ पे देखो ये कितना मास पास में ही आ गया ना, आयरन पास में ही आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के, इधर की तरफ दूर है। चलो हटाओ इसको, ऐसे हटाओ, एक बार ऐसे इमेजिन करो फिर से। चलो अब बताओ, इस सिचुएशन में भी पास तो यहीं से हो रहा है ना, ये इतने में ही है हल्का मास, भारी मास दूर है, काफी दूर है, यहां पर ज्यादा इनर्शिया आएगा और इधर कम आएगा, तो आप समझो कि I1 ज्यादा होगा I2 से, यस और नो? यस मैम, क्योंकि इसमें पूरा है। यहाँ पे बस एक चीज देखना कि कितना मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन में आ रहा है, हाँ, और कहाँ है, ये इसको फील करने का तरीका है, क्योंकि इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर, तो मास यहां से और आर यहां से, है ना, आर को हमें कम लेना है। अब एक बात मुझे बताओ, ये टॉपिक रहता है ठीक है, इसमें से ये वाली जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, एक टेबल होती है ठीक है, उस टेबल को आप याद कर लो ज्यादा अच्छा है। आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, आपके पास जो भी बुक है ना, उसके अंदर आपको दिखेगा कि एक स्फेयर का क्या मतलब, जैसे स्फेयर आता है कि 2/5 एम आर स्क्वायर है कि 7/5 है, वो वाली चीजें, सिलेंडर का क्या है, कोन का क्या है, बढ़िया है वाली चीजें ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो आपको याद करनी है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे क्वेश्चंस, जहां पर आई ओमेगा कॉन्स्टेंट रहता है, इसको करना है ठीक। और एक इंपॉर्टेंट चीज है ये थ्योरम, यहाँ पे दो थ्योरम खुलती है, परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल थ्योरम। अब ये वाली जो चीजें हैं, इनकी स्टेटमेंट आपके पास होंगे, अगर नहीं है, वैसे तो मुझे लगता है कि बुक्स में है ठीक है, अदरवाइज मैं आपको ना एक असाइनमेंट के फॉर्म में एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, उस पीडीएफ में ना आपको इस लेक्चर का डिटेल्ड
मतलब थ्योरी मिल जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इतना पार्ट खुद से कर लोगे? यस मैम। तो अगर आप कर लोगे, एक मिनट रुक जाना, भी बाय बाय आपका अभी करेंगे, तो फिर मंडे से मैं रोज एक पीडीएफ शेयर करा करूंगी, ठीक है, पीवाईक्यू की। उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स के पेपर, मतलब क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना रोज से, मंडे से काम शुरू करेंगे। और उससे पहले बस मुझे एक बारी बता देना कि आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंप्लीट कर लिया, ठीक। मैम इसके नोट मैम ग्रुप पे मिलेंगे ना? मैम मैंने शिवानी मैम से कहा था, उन्होंने मैसेज ही नहीं देखा, मैंने कहा था मुझे ऐड कर लेना। मैम आप ऐड कर दोगे? किसमें बेटा? ये लिंक क्लास का मेरी फ्रेंड ने भेजा था, उसने कहा था, फिर मैम ने ऐड ही नहीं करा, अभी देखा ही मैम ने मेरा मैसेज। ओके, तो आप एक काम करो, आप मुझे मैसेज कर दो अपना नंबर, ठीक है, देन आई विल ऐड यू देयर। कहाँ पे करें मैसेज आपको? अच्छा, आपको मेरे पास, आपके पास नंबर नहीं है? एक मिनट। नो मैम, देखो ये नंबर है मेरा, कभी भी कोई दिक्कत आए तो उसमें मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है, 12th ऑफ जून तक, जब भी आपको ये वाला पेपर है आपका, ठीक है। अब से हमारा 12th का सिलेबस तो पहले ही हो चुका था, ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे बात कर लेना। मैम जो पीवाईक्यू है, जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो आप कराओगे क्या बेटा? जो पीवाईक्यू हमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे वो आप कराओगे? हाँ बिल्कुल, अगर आपसे सॉल्व नहीं होंगे ना, तो आप एक काम करना है कि मैंने अपना पर्सनल ग्रुप भी बना रखा है ना नर्सिंग के लिए, तो आप उस पे उसको ड्रॉप कर देना। मैम वो ग्रुप में ऐड नहीं है, कैसे ऐड होंगे? ओहो, तो एक काम करो, क्या काम करो, मैं अभी चैट बॉक्स में लिंक ड्रॉप कर दूं? यस मैम, यस मैम अभी कर दें। तो अब ना मंडे से फिर हम लोग भी क्लासेस ऑफ रखते हैं, आप लोग सिर्फ वो कर लेना, मतलब पी वाई क्यू सब लगा लो, लाइक रगड़ लेना खुद को अच्छे से। मैम कितने क्वेश्चन लगा ले, मतलब इस टॉपिक के कितने? देखो ऐसा है कि इसके बारे में ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो मैं गैदर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मुझे ये फील है कि इसका वेटेज हर एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपको इधर भी ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक करा। ऊपर से बच्चों का बहुत डाउट था कि 11th में से ये करा दो, ठीक है, तो इसको तब हाथ लगाना इस वाली चीजों को। वैसे मंडे तक संडे तक इसे सॉल्व करके रख दो, मैं तुम्हें अभी प्रोवाइड करा दूंगी असाइनमेंट जो है, ठीक है, इसको सॉल्व करके रख दो। यस मैम। और उसके बाद से ना मंडे से सबसे पहले 12th के क्वेश्चंस लगाओ। देखो आपके चैट में मैंने क्या ऐड किया है, दिख रहा है क्या लिंक? देखो ग्रुप का लिंक भेज दिया है, इसको ज्वाइन कर लो सब। डन मैम, मेरा तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, ठीक है? ओके। बाकी आपको अब मंडे से, मंडे तक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कर देना, मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगी संडे में ही, या आज भेज दूंगी, ठीक है? वैसे मेरी क्लासेस अब ठीक है, ट्राई नहीं हो रहा है तो फिर आप सभी इसी मैसेज पे मैसेज, इस नंबर पे मैसेज कर दूंगी, ठीक है? बाकी अपन लोग अब ग्रुप पे ही बात कर लिया करेंगे, जो भी डाउट है वहीं पे सब मिलकर सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। और 12 जून तक आई एम देयर फॉर यू। फिजिक्स में कहीं भी अटको, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, लेट मी नो, इज दैट ओके? ओके मैम, हम ग्रुप पे भेज देंगे। हां जी मैम, फिर आप मैम आंसर दे देना, क्या कहते हैं रिप्लाई का मैम? हाँ, तो वो पीडीएफ मैं सॉल्व करके भेज दूंगी, ठीक है, कॉपी पे, बहुत अच्छा नहीं लिखा जाएगा, जल्दी से जैसा भी होगा आई सेंड यू, ठीक है? ओके मैम,